दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत के वेस्ट बंगाल का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। रोजाना हजारों लाखों लोग पूरे देश भर से दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का मैजिकल वेदर, यहाँ की टॉय ट्रेन, यहाँ के चाय के बागान और यहाँ के सीनिक व्यू आपको बहुत पसंद आएंगे। कैसे आप दार्जिलिंग घूमने आ सकते हैं, जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कब जाना चाहिए, कुल कितना खर्चा हो जाएगा, ए टू जेड जानकारी दार्जिलिंग टूर से संबंधित आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आप लाइफ में कभी भी दार्जिलिंग घूमने आइए, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज चलते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की दूरी की बात करें तो दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता से 643 किलोमीटर की दूरी पर है दार्जिलिंग। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग कैसे आए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा में है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी 70 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से दार्जिलिंग जाने के कई अलग अलग ऑप्शन हैं। टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 3500 से 4000 रुपए चार्ज करेंगे टैक्सी वाले। शेयर टैक्सी में 400 से 450 रुपए पर पर्सन लगने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि बागडोगरा से बस से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी तक कम से कम आना पड़ेगा। डिस्टेंस 14 किलोमीटर रहेगा। सिलीगुड़ी में एक बस टर्मिनल है, टैंजिंग नॉर्गे सेंट्रल बस टर्मिनल सिलीगुड़ी। वहां से दार्जिलिंग के लिए आपको बस मिल जाएगी। दूरी दार्जिलिंग की 64 किलोमीटर रहती है। 150 से 200 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप बाई ट्रेन दार्जिलिंग घूमने आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है सिलीगुड़ी या NJP न्यू जलपाईगुड़ी। NJP देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधे तौर पर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी भी कुछ बड़े बड़े शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दिल्ली से NJP की ट्रेन की अगर बात करें तो स्लीपर में 810 से 850 रुपए किराया है। वही थर्ड AC में 1740 से 2640, सेकेंड AC में 2805 से 3770 और फर्स्ट क्लास AC में 4150 से 4650 रुपए का टिकट बनता है। सेकेंड सीटिंग बहुत सस्ती है, 400 रुपए में आप NJP पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि NJP से दार्जिलिंग कैसे जाएं। उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, 3500 रुपए लेंगे, NJP रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग सिटी सेंटर आपको ड्रॉप करेंगे। शेयर टैक्सी वाले 400 से 450 रुपए में आपको दार्जिलिंग ड्रॉप कर देंगे। वहीं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको 6 किलोमीटर सिलीगुड़ी के मेन बस स्टैंड पर आना पड़ेगा। बसेस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 150 से 200 रुपए का टिकट बनेगा और आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा NJP से एक और तरीका है जो बहुत ही एडवेंचरस रहने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NJP से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन की। टॉय ट्रेन की टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे चलती है वो ट्रेन। करीब 7 घंटे 20 मिनट का सफर रहता है। टिकट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास में 1400 रुपए और AC फर्स्ट क्लास में 1500 रुपए का टिकट बनता है। ट्रेन नंबर है 52541। सिर्फ एक अकेली यही ट्रेन है जो NJP से दार्जिलिंग तक चलती है। रिटर्न में भी ये ट्रेन है जो सुबह 9 बजे दार्जिलिंग से चलती है। 7 घंटे 15 मिनट का सफर रहता है। 1400 से 1500 रुपए टिकट है। अगर आप रिटर्न दार्जिलिंग से NJP बाय टॉय ट्रेन आना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। NJP से दार्जिलिंग का जो टॉय ट्रेन का सफर है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाता है। जहाँ 7 से 7.5 घंटे 8 घंटे तक टॉय ट्रेन में लग जाते हैं, वहीं बाय रोड अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो 3 घंटे में आप NJP से दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। तो अगर आपके पास समय है, आप टॉय ट्रेन एंजॉय करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। लेकिन इसके अलावा टॉय ट्रेन एंजॉय करने का दार्जिलिंग में भी ऑप्शंस हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद भी आप टॉय ट्रेन एंजॉय कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप बाय बस दार्जिलिंग पहुंचना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आसपास के किसी सिटी में आप रह रहे हैं दार्जिलिंग के तो आप बाय बस आ सकते हैं।
पर्सनल कार या बाइक लेकर भी आप दार्जिलिंग घूमने आ सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि लोकल जब आप दार्जिलिंग में घूमेंगे तो आपको कम दिक्कत होगी। और इन सबसे अलग एक सबसे बेस्ट तरीका होता है टूर पैकेज। टूर पैकेज के थ्रू अगर आप दार्जिलिंग घूमेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, किसी भी तरह का हेडेक नहीं रहेगा, किसी भी तरह का हैक्टिक नहीं रहेगा, विदाउट हैसल आप पूरा टूर बहुत आसानी से इंजॉय कर पाएंगे। बागडोगरा से भी आपको टूर पैकेज की फैसिलिटी मिल जाती है, एनजेपी रेलवे स्टेशन से भी टूर पैकेज की फैसिलिटी मिल जाती है। टूर अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आराध्या टूरिज्म के थ्रू कर सकते हैं, उनकी बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और आप स्क्रीन पर उनका फोन नंबर भी देख रहे होंगे। कॉल कीजिए, डिस्कस कीजिए दार्जिलिंग टूर के बारे में, पैकेज सेट कीजिए। अगर हमारा नाम लेते हैं MS व्लॉगर का 10% आपको पैकेज पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है दार्जिलिंग घूमने का, अगर आप किसी भी तरह का हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, बड़े ग्रुप में या फैमिली को लेकर आए हैं। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप इनमें से किसी भी एक तरीके से ही दार्जिलिंग पहुंचेंगे। बात करते हैं कि होटल और गेस्ट हाउस वगैरह कैसे हैं दार्जिलिंग में और कहां लेने चाहिए। किराए की बात करता हूं सबसे पहले, 1000 से 10000 तक के अलग अलग रेंज में आपको होटल्स मिल जाएंगे। बेस्ट लोकेशन दार्जिलिंग में होटल लेने की है, आप नियर दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन ले सकते हैं, टॉय ट्रेन स्टेशन के पास में सबसे बेस्ट है। गांधी रोड पर जाकर ले सकते हैं, चौरस्ता पर जाकर ले सकते हैं या माल रोड पर ले सकते हैं, सभी जगह बेस्ट है दार्जिलिंग घूमने के लिए। आप मेरे बताए गए किसी भी रोड पर रुकते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। कैंपिंग के भी दार्जिलिंग में ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको दार्जिलिंग से थोड़ा आउटसाइड जाना पड़ेगा। वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। दार्जिलिंग में हॉस्टल्स भी हैं, अगर आप सोलो हैं या एक दो बॉयज़ हैं तो हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, जो थोड़ा सस्ता पड़ता है। 300 से 350 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं हॉस्टल में, जिसमें ब्रेकफास्ट वगैरह भी इंक्लूड रहता है। मेरे हिसाब से दार्जिलिंग में कितने दिन का स्टे करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 2 नाइट का स्टे बेस्ट रह सकता है, लेकिन अगर आप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से पहुँचें, यानी NJP से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से पहुँचें, तो फर्स्ट डे आपका पूरा टॉय ट्रेन में ही खर्च होने वाला है। तो ऐसे में कम से कम 3 नाइट का स्टे आपको दार्जिलिंग में करना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरा दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं तो। तो ये तो बातें हुई स्टे करने से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग में कहां कहां घूमने जाना चाहिए। देखिए, जब आप दार्जिलिंग बाय रोड आ रहे होंगे तो कुछ साइट आप दार्जिलिंग आते वक्त भी कवर कर सकते हैं। कौन कौन सी वो साइट है वो मैं बताता हूँ आपको, जो बाय रोड ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट मिलता है आई लव कुरसोंग व्यू पॉइंट। लगभग सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के हाफ पॉइंट पर, यानी सिलीगुड़ी से करीब 35 किलोमीटर जब आ जाएंगे आप तो ये पॉइंट पड़ता है। यहाँ से आप बहुत खूबसूरत पहाड़ों का बहुत खूबसूरत व्यू देख पाएंगे। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं यहाँ नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं, लेकिन बहुत सुंदर व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। सेल्फी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी लोग यहाँ पर करवाते हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर रह जाता है, थोड़ा और आगे जाते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है घूम। घूम एक बहुत फेमस जगह है दार्जिलिंग की। यहाँ से दार्जिलिंग 8 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। घूम में एक मोनेस्ट्री है जिसे आप देखने के लिए जा सकते हैं। घूम टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन को भी आप देख सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो दार्जिलिंग पहुँचने से पहले ही आप कवर कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे अगर आप जाते हैं तो आप पहुँचेंगे बतासिया लूप। ये सब ऑन रोड है, दार्जिलिंग जाते वक्त ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बतासिया लूप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी के गोरखार सोल्जर्स के लिए डेडिकेटेड है, उनकी याद में बतासिया लूप को बनाया गया है। यहाँ पर एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, 30 रुपये पर पर्सन। दार्जिलिंग जाते वक्त ही आप बतासिया लूप को भी कवर कर सकते हैं। यहाँ से दार्जिलिंग करीब 4-5 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। तो ये तरीका हुआ दार्जिलिंग पहुँचने तक का और कुछ साइट्स को कवर करने का। लेकिन इसके अलावा जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं उनमें से 2-3 पॉइंट्स आप टॉय ट्रेन के थ्रू भी इंजॉय कर सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद दार्जिलिंग में एक जॉय राइड कराई जाती है टॉय ट्रेन की, उसके थ्रू भी आप ये पॉइंट कवर कर सकते हैं। दार्जिलिंग में जॉय ट्रेन के लिए, जॉय राइड के लिए करीब 8 ट्रेन चलती हैं, जिनमें 2 ऑप्शन हैं, एक स्टीम इंजन टॉय ट्रेन, एक डीजल इंजन टॉय ट्रेन। स्टीम इंजन टॉय ट्रेन का टिकट थोड़ा महंगा होता है, डीजल इंजन वाली टॉय ट्रेन का टिकट कम होता है। टिकट के रेट भी बता देता हूँ आपको, स्टीम इंजन की टॉय ट्रेन में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं जॉय राइड तो 1500 रुपये का टिकट है, डीजल ट्रेन में 1000 रुपये पर पर्सन टिकट लेना पड़ता है। जॉय राइड की फर्स्ट ट्रेन की बात करें तो सुबह 9:25 पर चलती है, जो दार्जिलिंग के 2-3 पॉइंट्स कवर करते हुए वापस 11:20 पर आ जाती है। लास्ट ट्रेन शाम को 4:30 है, जो शाम को 6:20 पर वापस आ जाती है। स्टॉपेज की बात करें तो बतासिया लूप पर 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, आप 10 मिनट में पूरा बतासिया लूप कवर करके वापस ट्रेन में बैठ सकते हैं। इसके बाद वो पहुंचती है घूम स्टेशन पर,
जहां 25 मिनट का स्टॉपेज है। वहां पर आप धार रेल म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं। धार रेल म्यूजियम का जो टिकट है वो टॉय ट्रेन के टिकट में ही इंक्लूड है, तो जरूर जाना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। 2 घंटे के आसपास का ये सफ़र दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का बहुत खूबसूरत रहता है। दार्जिलिंग के बड़े बड़े मार्केट से होते हुए वो ट्रेन निकलती है, तो यादगार सफ़र रहता है दार्जिलिंग की जॉय राइड। आप करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। करीब 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र रहता है एक साइड से, और दोनों साइड का करीब 16-17 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। आइए इसके अलावा कुछ और दूसरी साइड्स की बात करते हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में दार्जिलिंग पहुंच गए हैं तो सेम डे आप रॉक गार्डन देखने के लिए जा सकते हैं। दार्जिलिंग से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉक गार्डन तक जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, बहुत एडवेंचरस है, लेकिन रोड थोड़ा नैरो है। अगर आप खुद से ड्राइव करके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। रॉक गार्डन का जो एंट्री टिकट है वो करीब 20 रुपये है। यहाँ पर आप देखेंगे खूबसूरत वाटरफॉल है, और उस वाटरफॉल के किनारे किनारे ऊपर की तरफ पहाड़ पर एक ट्रैक बना हुआ है जिस पर लोग पैदल चलते हैं और ऊपर तक जाते हैं। यहाँ अलग अलग कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी होती रहती हैं। आप वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोग्राफी करा सकते हैं। तो रॉक गार्डन आना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत रहता है। यहाँ आप चाय के बागानों को भी रास्ते में देख पाएंगे। इसके अलावा आप अगर रॉक गार्डन से थोड़ा और आगे जाते हैं तो 2-3 किलोमीटर आगे गंगा मैया पार्क आता है। आप गंगा मैया पार्क देखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। यहाँ भी एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है जिसकी कीमत है 20 रुपये। यहाँ भी एक वाटरफॉल है, एक पार्क है, ट्रैक बना हुआ है, खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ जरूर आइएगा। इसके अलावा रॉक गार्डन जैसा ही कुछ कुछ देखने में लगता है। थोड़ा और अगर गंगा मैया पार्क के पास चलते हैं तो आगे जाके एक लेक आती है जहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। वो लेक बहुत खूबसूरत है। बहुत कम टूरिस्ट दार्जिलिंग घूमने आने वाले यहाँ आते हैं। इसके अलावा उसी रोड पर जब अगर आप आगे चलते हैं तो आप ऑरेंज वैली टी स्टेट पहुँच जाते हैं। यहाँ आप चाय के बहुत खूबसूरत बाग देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से चाय परचेज भी करके ले जा सकते हैं। दार्जिलिंग के फेमस चाय बागान अगर आपको देख रहे हैं तो ऑरेंज वैली जरूर आइए। ये सब घूमने के बाद आप शाम को दार्जिलिंग टॉय ट्रेन स्टेशन देखने जा सकते हैं। और अगर आपने टॉय ट्रेन राइड नहीं की है, खूबसूरत व्यू आपको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन से देखने के लिए मिलेंगे। दार्जिलिंग क्लॉक टावर पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आप वहां पर सेल्फी क्लिक करा सकते हैं। आप दार्जिलिंग के खूबसूरत मार्केट को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। माल रोड चौरास्ता इवनिंग में घूमने लायक जगह है। बहुत सारे टूरिस्ट इवनिंग में दार्जिलिंग के इन मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आप स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, यहाँ आप शॉपिंग के लिए अलग अलग मार्केट्स में जा सकते हैं। तो ये होता है डे 1 का टूर। डे 1 नाइट में होटल में स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे दार्जिलिंग की कुछ और दूसरी साइड्स को घूमने जा सकते हैं। उनमें से सबसे पहले आती है टाइगर हिल। टाइगर हिल की दार्जिलिंग से दूरी करीब 18-20 किलोमीटर के आसपास है। यहां से आपको कंचनजंगा पीक और माउंट एवरेस्ट का भी व्यू देखने के लिए मिल सकता है अगर आप लकी हुए तो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप आते हैं तो आप यहां से सनराइज भी देख पाएंगे। टाइगर हिल तक पहुंचने का सफर भी खूबसूरत रास्तों से भरा हुआ है। टाइगर हिल के बाद अगर आप आगे कुछ दूसरी साइड्स पर जाना चाहते हैं तो आप लामा हाटा जा सकते हैं, जिसकी दार्जिलिंग से दूरी करीब 20 किलोमीटर है। लामा हाटा तक जाने वाला रास्ता भी बहुत एडवेंचरस है, बहुत खूबसूरत व्यूज से भरा हुआ है। लामा हाटा में एंट्री टिकट करीब 15 रुपये पर पर्सन है। ओपनिंग टाइम सुबह 7:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है। ये एक खूबसूरत इको पार्क है। पाइन ट्री से घिरा हुआ ये पार्क देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर आप लामा हाटा आएंगे तो आपको सच में एहसास होगा कि आप बहुत खूबसूरत जगह पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लामा हाटा से ही वही रोड आप पकड़िए, आप टिंचुले व्यू पॉइंट को देखने जा सकते हैं। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है लामा हाटा से। बहुत अल्टीमेट प्लेस है, रास्ता भी बहुत शानदार है। चाय के बागानों से होते हुए वो रास्ता निकलता है। व्यू पॉइंट से टिस्टा कैलिम्पोंग का भी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लकी हुए, मौसम क्लियर हुआ तो बहुत क्लियर आप वहां से टिस्टा और कैलिम्पोंग सिटी को देख पाएंगे। इवन यहां से आप सिक्किम के नामची का व्यू भी देख सकते हैं। ये सारी साइट विजिट करने के बाद आप वापस दार्जिलिंग आइए और दार्जिलिंग के फेमस जू को देखने के लिए जा सकते हैं। दार्जिलिंग मेन सिटी सेंटर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जू है, जिसको पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। ओपनिंग टाइम सुबह 8:30 बजे, क्लोज शाम को 4 बजे हो जाता है।
टिकट 60 रुपए एडल्ट का है, फॉरनर्स आए हैं तो 100 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। कैमरा अगर आपके पास है तो 10 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट आपको लेना पड़ेगा। थर्सडे को जू क्लोज रहता है। जू में घूमना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल के कुछ फेमस एनिमल्स को देख पाएंगे, जिसमें से बंगाल टाइगर और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप दार्जिलिंग की फेमस रोप वे भी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दार्जिलिंग रोप वे को दार्जिलिंग रंगीत वैली रोप वे के नाम से जाना जाता है। 2 किलोमीटर है दार्जिलिंग जू से दार्जिलिंग रोप वे पॉइंट, और दार्जिलिंग मेन सिटी सेंटर से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रोप वे के टिकट की बात करूं तो एडल्ट का टिकट 260 रुपए है, बच्चों का टिकट 130 रुपए रहता है। 40 मिनट का अप एंड डाउन सफर रहता है, यानी वन साइड से 20 मिनट की राइड रहती है, और टोटल डिस्टेंस करीब 5 किलोमीटर है। यानी जब रोप वे में आप बैठेंगे तो आपको नीचे की तरफ जाना होगा। नीचे की तरफ जाते हुए आप दार्जिलिंग का बहुत ही सुंदर व्यू देख पाएंगे, दूर दूर तक आप चाय के बागान देख पाएंगे। 20 मिनट का ये सफर आपके जीवन का एक यादगार सफर रहने वाला है। लास्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो ड्रॉप करता है, वहाँ पर कुछ एक दो रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। वहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा बहुत स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से व्यूज जो देखने के लिए मिलता है ना पूरी वैली का, वो बहुत लाजवाब है। थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद आप वापस रोप वे के थ्रू दार्जिलिंग मेन पॉइंट पर ऊपर आ सकते हैं, रोप वे के मेन स्टार्टिंग पॉइंट पर ऊपर आ सकते हैं। ये जो टूर रहा एक दिन का, ये सेकेंड डे में आप इंजॉय कर पाएंगे। बहुत आसानी से ये सब पूरा टूर आपका हो जाएगा अगर आप टूर पैकेज में आते हैं तो। बट अगर आप इन सारी साइट्स को वहाँ पर जाकर विजिट करने की कोशिश करते हैं साइट सीन पैकेज के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। कॉस्ट कितनी रहेगी, कैसे आप मैनेज कर पाएंगे, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। डे टू में नाइट स्टे करने के बाद डे थ्री आपके पास रहता है, और ये वो दिन होगा जिस दिन आप यहाँ की कुछ और दूसरी साइट्स को विजिट करेंगे और उसके बाद वापस बागडोगरा एयरपोर्ट या NJP रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। डे थ्री में आपको जल्दी ही सुबह सुबह दार्जिलिंग से मिरिक के लिए निकलना होगा। दार्जिलिंग से मिरिक की दूरी करीब 39-40 किलोमीटर के आसपास है। दार्जिलिंग से घूम आना पड़ता है, और घूम से रास्ता डाइवर्ट होता है मिरिक के लिए। 2 घंटे का सफर रहता है, लेकिन बहुत एडवेंचरस है, बहुत खूबसूरत व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही आपको लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको कवर करते हुए जाना होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है गोलीतार व्यू पॉइंट। गोलीतार व्यू पॉइंट वो जगह है जहाँ पर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से कंचनजंगा का बहुत खूबसूरत व्यू भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि यहाँ से सामने ही नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। ये पॉइंट भी बहुत खूबसूरत है। मिरिक जाने वाले सभी टूरिस्ट सुबह में यहाँ रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो पशुपति बॉर्डर आ जाता है नेपाल का। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमेशा भीड़ बनी रहती है। दार्जिलिंग घूमने आने वाले लोग, जो लोग मिरिक जाते हैं, वो पशुपति बॉर्डर पर जरूर रुकते हैं और नेपाल में एंट्री जरूर करते हैं एक बार एटलीस्ट। एंट्री कैसे करनी है, उसके लिए सिंपली आपको कोई परमिट नहीं बनवाना है, जस्ट आधार कार्ड आपको बॉर्डर पर दिखाना पड़ता है और आपको एंट्री मिल जाएगी। यानी अब वेस्ट बंगाल इंडिया से नेपाल में एंट्री ले लेंगे। नेपाल में एंट्री लेने के बाद क्या करना है, नेपाल में जब एंट्री लेंगे तो उस बॉर्डर को बोलते हैं पशुपति बॉर्डर, और नेपाल में उस जगह को पशुपति मार्केट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो बॉर्डर पार करने के बाद पशुपति मार्केट नेपाल में थोड़ी दूरी पर है, उसके लिए आप वहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं। 300 रुपये में एक फुल टैक्सी मिल जाती है, मारुति ओमिनी, जिसमें 6 से 7 लोग आसानी से बैठ जाएंगे। अप एंड डाउन 300 रुपये टिकट रहता है, यानी वो आपको मार्केट लेकर जाएंगे, 1-1.5 घंटे का समय आपको देंगे और वापस आपको इंडिया बॉर्डर पर ड्रॉप कर देंगे। ये बहुत एडवेंचरस जर्नी रहती है कि आप दार्जिलिंग घूमते घूमते आप नेपाल भी घूमने जा सकते हैं। वहाँ पर एक मार्केट बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं शॉपिंग के लिए। जो भी आप खरीदारी करना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, वहाँ कर सकते हैं। नेपाल में एंट्री करते ही आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा, यानी आपके इंडियन सिम बंद हो जाएंगे और आपके मोबाइल की वॉच 15 मिनट ऑटोमेटिक आगे हो जाएगी, क्योंकि नेपाल इंडिया से 15 मिनट फास्ट है। पशुपति बॉर्डर, पशुपति मार्केट घूमने के बाद आप वापस बॉर्डर पर आने के बाद मिरिक जा सकते हैं। दार्जिलिंग से मिरिक की दूरी मैं आपको बता चुका हूँ, करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, एडवेंचरस है, बहुत सारी साइट्स आप विजिट करते हुए पहुँचेंगे। मिरिक देखने में बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ एक बहुत बड़ी लेक है जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, खूबसूरत पार्क बना हुआ है, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट ढाबे बने हुए हैं फूड इंजॉय करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं, जिसमें से हॉर्स राइडिंग भी एक है, बोटिंग बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर करते हैं।
जनरली जो लोग दार्जिलिंग घूमने आते हैं वो मिरिक को स्किप कर देते हैं। मिरिक को स्किप करने का मतलब है कि आप पशुपति नेपाल बॉर्डर भी स्किप करेंगे, आप गोलीतार व्यू पॉइंट भी मिस करेंगे जहाँ से आप कंचनजंगा का खूबसूरत व्यू देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप कवर करते हैं तो आपका दार्जिलिंग टूर कंप्लीट होता है। सेम डे आप मिरिक से आप वापस बागडोगरा एयरपोर्ट या एनजेपी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। दार्जिलिंग से बागडोगरा एयरपोर्ट या एनजेपी रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी वाले जो चार्ज करते हैं वो 3500 से 4000 है, जो सीजन के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि साइट सीइंग पैकेज में कितना खर्चा हो सकता है। देखिए साइट सीइंग पैकेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा रह जाएगी क्योंकि जितने भी मैंने साइट्स बताए हैं वो बहुत सारे हैं। मिरिक काफी दूर है, जिसके साथ साथ दो तीन अलग अलग साइट्स आप कवर करेंगे। टाइगर हिल आप जाते हैं तो उसके लिए एक अलग पैकेज होता है, और अगर आप लामा हाटा जाते हैं टिंगचुले व्यू पॉइंट देखने जाते हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट देनी पड़ सकती है। बट अगर आपने टूर पैकेज बुक कर लिया है बागडोगरा एयरपोर्ट से या फिर एनजेपी रेलवे स्टेशन से ही, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आराध्या टूरिज्म के थ्रू कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोन पर बात कीजिए, पैकेज के बारे में डिस्कस कीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स घूमने के लिए मिलेंगे, तो आपका टूर बहुत आसान और हैसल फ्री हो जाएगा। बात फूड की करते हैं तो दार्जिलिंग में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह का फूड मिल जाता है। नॉन वेजिटेरियन में ऑप्शंस ज्यादा हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाया जाता है। बात करते हैं कि सही समय कौन सा है, किस मंथ में जाना चाहिए। देखिए दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है, आप जनवरी से दिसंबर किसी भी मंथ में आ जाइए, आप इंजॉय ही करेंगे। यहाँ का मैजिकल वेदर, यहाँ की टॉय ट्रेन आपको बहुत पसंद आएंगी, आप बहुत इंजॉय करेंगे। हमेशा यहाँ पर वेदर ठंडा बना रहता है, जहाँ मैदानी इलाकों में हमेशा गर्मी रहती है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, आपको जैकेट पहननी पड़ेगी। साल के किसी भी मंथ में आ जाइए, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बजट की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, आप किस तरह का टूर करना चाहते हैं, आप लग्जरी टूर करना चाहते हैं, किस तरह का टूर करना चाहते हैं, डिपेंड उस पर करता है। टूर पैकेज का तो अमाउंट निश्चित हो जाता है, आप डिस्कस करके उनसे टूर पैकेज डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना खर्चा होने वाला है। अगर आप पर्सनल खुद की गाड़ी लेकर आते हैं तो भी आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लो बजट टूर करना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया बाय ट्रेन आ सकते हैं एनजेपी तक, और उसके बाद टॉय ट्रेन से या फिर शेयर टैक्सी या बसेस के थ्रू दार्जिलिंग आ सकते हैं। लोकल साइट्स के लिए आपको सभी साइट पर विजिट ना करके वहाँ के आसपास की साइट्स विजिट कर सकते हैं। टॉय ट्रेन इन्जॉय कर सकते हैं, जू जा सकते हैं, बतासिया लूप जा सकते हैं, घूम मोनेस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा एक साइट सीन पैकेज बुक करके आप टाइगर हिल, लामा हाटा या तिंगचुले व्यू पॉइंट देखने जा सकते हैं, या फिर मिरिक साइड निकल सकते हैं जिसमें गोलीतार व्यू पॉइंट, पशुपति बॉर्डर और मिरिक मौजूद है। तो ये सारी बातें हुई घूमने की, तरीकों की, बजट की। पर्सनली मैं आपको टूर पैकेज रिकमेंड करूंगा क्योंकि वहां पर आपकी किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहती है। तो ये सारी बातें हुई दार्जिलिंग टूर से रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल बाकी रह गया है दार्जिलिंग टूर से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो लाइक तो कर ही सकते हैं, पसंद आई तो एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करिए। और हाँ, दार्जिलिंग के जितने भी साइट्स मैंने कवर किए हैं ना, उसकी पूरी सीरीज में आप लेकर आने वाला हूँ, जहाँ आपको अलग अलग साइट्स के अलग अलग वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। पूरा दार्जिलिंग कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है वो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाने वाला हूँ, तो दार्जिलिंग की ये सीरीज जरूर देखिएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।